बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एडमिट कार्ड फॉर प्रोविंस सिंध स्टूडेंट्स के लिए जो है, सिंध के स्टूडेंट्स जो एडमिट जिन्होंने एमडी कैट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी और उनके एडमिटेड कार्ड जो है ना, यानी रोल नंबर स्लिप जो है वो अपलोड हो चुकी हैं और वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो है जेएसएमयू जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, इसकी वेबसाइट आप ओपन करेंगे। इसका लिंक मैं दे दूंगा, आपको मज़ीद डिस्क्रिप्शन में होगा। इसका तरीक़ाकार जो है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, किस तरह हमने इसको एडमिटेड कार्ड को यानी एमडी कैट 2023 के लिए डाउनलोड कैसे करना है, ये सारी तफसील इस वीडियो के अंदर है। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली अपडेट आपको फौरी मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। jsmu.edu.pk ये आपने ब्राउज़र में लिखना है और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सेकंड सेक्शन जो है एमडी का सेक्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो सबसे पहले जो है ये एक नया पेज ओपन होगा जिसमें न्यूज़ अनाउंसमेंट है, डाउनलोड योर एमडी कैट, ये आपने क्लिक करना है। ये उसके बाद नया पेज ओपन होगा, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी है। हम इसको देखते हैं, जो यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं नया पेज ओपन होता है। और इसके अलावा ये लेफ़्ट साइड पे डाउनलोड एडमिटेड कार्ड, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये CNIC नंबर आपने देना है। जो यहाँ आप CNIC नंबर देंगे उसके बाद आपने डाउनलोड एडमिटेड कार्ड पर क्लिक करना है तो ये एडमिटेड कार्ड जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, ये तमाम स्टूडेंट जो है वो अटेंशन प्लीज़, ये इसको देखें कि अगर आपको करेक्शन करवानी है फॉर्म के, इसके अंदर CNIC करेक्शन है या फ़ोटो वगैरह की करेक्शन है या ईमेल वगैरह की, ये सारी चीज़ें अगर करनी हैं तो आपके सामने एक लेफ़्ट साइड पे अब ये फ़ोटो करेक्शन फॉर्म ये लिखा हुआ है, तो आपने ये इस फॉर्म को फिल करना है और ज़रूरी जो है जिसमें ये बताया गया है कि प्लीज़ डू नॉट फिल फ़ोटो करेक्शन फॉर्म इफ़ योर फ़ोटो इज़ ऑलरेडी अपीयरिंग ऑन द एडमिटेड कार्ड। अगर आपके एडमिटेड कार्ड पर मौजूद है तो आपने ये फॉर्म को फिल नहीं करना। दोज हु आर कंटेक्टिंग अस द करेक्शन ऑफ द CNIC नेम मस्ट अटैच योर CNIC विद ईमेल। तो आपने ईमेल करनी है इनको, जो ईमेल MDCAT दिया गया है इसमें, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किसको ईमेल करना है अगर आपके CNIC या नेम में कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आपके फॉर्म में कोई और इशू है तो आपने इस फॉर्म को फिल करना है। फ़ोटोग्राफ का ये सबसे ज़्यादा अहम ये है कि फ़ोटो का मसला है कि फ़ोटो नहीं अपेयर हो रहा, दोज़ कैंडिडेट हु फोटोग्राफ इज नॉट अपेयरिंग ऑन द एडमिटेड कार्ड, नहीं हो रहा, मस्ट फिल द फॉर्म, गूगल फॉर्म है ऑन लिंक बिलो, अर्जेंट बेसिस ये अपने फौरी तौर पर इसको आपने फिल करना है। इस फॉर्म को ये आपके सामने फॉर्म ओपन होगा, आपने ईमेल एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद योर MDCAT ईमेल जो आप दिया है वही वाला होगा आपका, और उसके बाद अपना CNIC नंबर विदाउट डैशेज आपने एंटर करना है, और उसके अलावा व्हाट इज अपना नेम करना है और अपना फादर नेम। उसके अलावा आपकी तस्वीर दुरुस्त करने का आखिरी मौका है, आपकी तस्वीर दुरुस्त और साफ़ होनी चाहिए, कोई धुंधली तस्वीर काबिल कबूल नहीं, तस्वीर की करार जितने भी हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, यानी उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए, वीज़ा के लिए दी गई तस्वीर की तरह दुरुस्त तरीके से काटा जाए, आपका चेहरा बिल्कुल सामने होना चाहिए, सीधा नज़र आए, तस्वीर 90 डिग्री के जावे पर मुनासिब होनी चाहिए, कोई झुकाव वाली तस्वीर काबिल कबूल नहीं। उसके बाद आपने अटैच करनी है अपनी तस्वीर, ठीक है जी, उसके बाद अपना बे फॉर्म या CNIC नंबर जो है ना वो भी अटैच करना है, फिर उसके बाद सबमिट करना है। तो इस तरीके से आपकी तस्वीर जो है वो एडमिटेड कार्ड पर जो अपना अपलोड करेंगे वो वाजे हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इस तरीके से जो है आपका कोई मसला है, इशू है, तो वो आपने ईमेल करनी है। इसके अलावा तस्वीर के अलावा वो ईमेल एड्रेस जो है मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरीके से मज़ीद चंद वीडियोज़
जानने के लिए एडमिशन के हवाले से, MBBS और BDS के हवाले से, तो आपने इस चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।